कृषि कानूनों पर किसान और सरकार के बीच आज होगी अहम बैठक। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी बातचीत। पीयूष गोयल और सीएम प्रकाश करेंगे सरकार का प्रतिनिधित्व। सरकार संघ बैठक में 42 किसान संगठनों के नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली में गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। किसानों संघ बातचीत का बना एजेंडा। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने बनाया फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक कृषि कानून रद्द करने की मांग छोड़कर सभी मांगों पर सरकार करेगी बातचीत। सरकार से बातचीत से पहले यूपी गेट पर बुलाई गई किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत ने बुलाई महापंचायत। बड़ी संख्या में किसान होंगे शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले आंदोलन एक जनक्रांति है। हजारों और किसान भी जल्द आंदोलन से जुड़ेंगे। सरकार से बातचीत से पहले किसान संगठनों का बयान। 4 सूत्री एजेंडे पर ही बात करेंगे किसान। कृषि कानून रद्द करना मुख्य एजेंडा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान। बोले किसानों को आजादी देने वाले हैं कृषि बिल। बैठक में जरूर निकलेगा आंदोलन का हल। कृषि बिलों पर शरद पवार का बयान। बोले राज्यों की बिना सहमति के केंद्र ने बनाए कानून। दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकती खेती। योग गुरु बाबा रामदेव का बयान। बोले कृषि कानूनों में संशोधन करे केंद्र सरकार। किसानों से हट छोड़ने की अपील की। आज चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह कैबिनेट की बैठक। अकाली बीजेपी सरकार में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर फैसला संभव। किसानों को भड़काने में जुटी आम आदमी पार्टी। सिंघू मोर्चे पर धरने पर बैठे किसानों के लिए फ्री वाईफाई देगी आम आदमी पार्टी। एयर चीफ मार्शल भदौरिया का बयान। बोले अफगानिस्तान में घुसना चाहता है चीन। पाकिस्तान को ड्रैगन बना रहा है मोहरा। चीन ने एलएसी पर तैनात किए रडार और मिसाइल। आरकेएस भदौरिया बोले भारत पूरी तरह से तैयार। भारत चीन संघर्ष नहीं किसी भी सूरत में अच्छा। धारा 370 पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा सरकार ने हमारी इज्जत को किया तार तार। इज्जत वापस लेने तक जारी रहेगा विरोध। कश्मीर के नौजवानों को फिर भड़काने की कोशिश। महबूबा मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर की आवाम कभी नहीं उठाएगी सफेद झंडा। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 से 3 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के मेंढर में मंदिरों पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई। आज पाकिस्तान के बहावलपुर में विपक्ष की रैली। इमरान खान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मंच पर जुटेंगे विपक्ष के बड़े नेता। ईडी ने वर्षा राउत को फिर जारी किया समन। पूछताछ के लिए 5 जनवरी को किया तलब। पीएमसी घोटाले में होना है वर्षा राउत से पूछताछ। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से से ईडी करेगी पूछताछ। पुणे जमीन घोटाला केस में होगी पूछताछ। 2 लाख में जमीन खरीदकर 7 करोड़ में बेचने का आरोप। बीजेपी सांसद शिव प्रकाश शुक्ला का बयान। बोले बंगाल को ममता बनर्जी ने किया तहस नहस। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इलाके में की जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। हरियाणा में आज होगी नगर निकाय चुनावों की मतगणना। मेयर और पार्षद पदों के लिए होगी काउंटिंग। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। अंबाला पंचकुला और सोनीपत को आज मिलेंगे नए मेयर। रेवाड़ी सांपला और दारूहेड़ा नगर पालिकाओं के भी आएंगे नतीजे। दोपहर बाद होगा विजेताओं का ऐलान। गुजरात में ओवैसी की पार्टी AIMIM लड़ेगी नगर निगम चुनाव। बीजेपी के साथ मिलकर ओवैसी की पार्टी लड़ सकती है चुनाव। जी हिंदुस्तान से खास बातचीत के दौरान बाबा रामदेव का बयान। कहा लव जिहाद के पीछे आतंकियों का हाथ। राहुल गांधी को फुल टाइम पॉलिटिक्स करने की नसीहत। कोरोना के कारण गणतंत्र दिवस परेड की लंबाई हुई छोटी। अब परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ 25,000 लोग ही हो सकेंगे शामिल। परेड में छोटे बच्चों के शामिल होने पर रोक। मेरठ में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत। 2 साल की बच्ची में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। लंदन से लौटा है परिवार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। बोले कोरोना के नए स्ट्रेन से घबराने की नहीं जरूरत। हमारी वैक्सीन नए कोरोना स्ट्रेन पर भी करेगा। 1 महीने में 33,000 लोग ब्रिटेन से लौटे भारत। अब तक 114 लोग पाए जा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। 7 लोगों में हुई है नए स्ट्रेन की पुष्टि। केंद्र सरकार की सीनियर सिटीजन के लिए एडवाइजरी। कोरोना से वरिष्ठ नागरिकों को सावधान रखने की सलाह। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लगाया गया कोविड वैक्सीन। हैरिस बोली जल्द से जल्द सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचना जरूरी। अमेरिका में पहुंचा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। कोलराडो में भी एक शख्स में स्ट्रेन की पुष्टि। इलाके में जारी किया गया अलर्ट। ब्रिटेन में तेजी से फैलने लगा कोरोना वायरस। 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। कोरोना के नए स्ट्रेन से फैली दहशत। ब्रिटेन में कोरोना के अब तक 23,82,000 नए केस मिले। 71,500 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत। देश के 4 राज्यों में कोरोना की वैक्सीन का हुआ ट्रायल सफल। पंजाब गुजरात असम आंध्र प्रदेश में 2 दिनों तक चला वैक्सीन का ट्रायल। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 703 नए मरीज आए सामने जबकि 28 लोगों की हुई मौत।
बीकानेर में कोरोना को लेकर निकाला गया मशाल जुलूस, लोगों को कोरोना के प्रति किया गया जागरूक। नए साल पर 1 डिग्री सेल्सियस रह सकता है दिल्ली का तापमान, मौसम विभाग ने राजधानी के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पंजाब में ठंड का रेड अलर्ट जारी। इनकमटैक्स ने दिल्ली में 300 करोड़ के हवाला कारोबार का किया खुलासा, हवाला कारोबारी के घर छापेमारी में 14 करोड़ नकदी और 2 करोड़ रुपए के गहने बरामद। गंभीर बीमारी से पीड़ित के अरविंद केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय का मुंबई में होगा इलाज, गोपाल राय के विभाग का प्रभार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपा गया। पर्यटन को ध्यान में रखकर रेलवे ने डिजाइन किए नए मॉडर्न कोच, 10 कोच बनकर तैयार, 31 मार्च तक करीब 50 मॉडर्न कोच बनाने में जुटी रेलवे। मथुरा में संघ के दफ्तर पर अराजक तत्वों का हमला, पथराव में दफ्तर में मौजूद 2 लोग घायल, 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जौनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में बवाल, दोनों तरफ से चले ईंट पत्थर, सिद्दिकपुर इलाके में हुई घटना। अलीगढ़ का लाल श्रीनगर में हुआ शहीद, पाकिस्तान से हुए हमले में घायल हुए थे नेत्रपाल सिंह, परिवार में पसरा मातम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन राशि का किया आवंटन, योजना के तहत 21,500 से ज्यादा लोगों के खाते में भेजे गए पैसे। गैंगस्टर विकास दुबे और बीडीओ आलोक पांडे के बीच सांठगांठ के मिले सबूत, सीएम योगी ने आलोक पांडे को किया सस्पेंड। मेरठ में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने किसान आंदोलन पर उठाए सवाल, कहा आंदोलन में सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों शामिल। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से फोन कर दी गई धमकी। लखनऊ में दीनदयाल पार्क के पास युवती ने की आत्मदाह, पार्क के पास युवती स्कूटी से आई थी। न्यू ईयर को लेकर लखनऊ में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था, डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्शन के साथ होटल मॉल्स रेलवे स्टेशन पर चेकिंग। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने जारी की राम मंदिर की डिजाइन, परकोट और मंदिर के अंदर के डिजाइन को किया गया जारी। गाजियाबाद के लोनी में 35 साल के एक शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, शख्स को बचाने की जगह लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। फतेहपुर के हसीनगंज में 18 गायों से भरा ट्रक पकड़ा गया, स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को भी धर दबोचा। सीतापुर में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की गाड़ी हाई टेंशन तार की चपेट में आई, बीजेपी नेता और उनके ड्राइवर की मौत। जौनपुर में बकरा चोरी कर भाग रहे 3 बदमाशों को ग्रामीणों ने पेड़ से बांध कर पीटा, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 115 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, भोपाल की रानी कमलापति की याद में हर साल मेला लगाने का ऐलान किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में हंगामा, लोकार्पण पट्टी पर नाम न होने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सड़क पर दिया धरना। इंदौर से श्री राम जन्मभूमि निर्माण महोत्सव के दौरान निकाली गई बाइक रैली पर पथराव, हंगामे के बाद इलाके में भारी तनाव, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी का बड़ा बयान, बोले तेजस्वी को समर्थन देकर सीएम बनाए नीतीश कुमार, खुद केंद्र में जाकर बने विपक्ष के नेता। आरजेडी नेता श्याम रजक का दावा, नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहते हैं 17 जेडीयू विधायक, जल्द आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं बाकी। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान युवक की पुलिसकर्मियों से झड़प, युवक ने कर दी सिपाही की पिटाई, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। हेमंत सोरेन ने सरकार की सालगिरह पर दी कई सौगात, कृषि ऋण माफी योजना का किया ऐलान, खिलाड़ियों को दी गई सीधी नियुक्ति। झारखंड में हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर आजसू ने मनाया विश्वासघात दिवस, हेमंत सोरेन पर पुरानी सरकार की योजनाओं को दिखाकर चेहरा चमकाने का आरोप लगाया। झारखंड के चतरा में पुलिस ने RLFI के 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, व्यापारी से 5 लाख की रंगदारी मांगने आए थे नक्सली। धौलपुर में क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ी पलटी, गाड़ी में बैठे 4 कमांडो हुए घायल, बदमाशों का पीछा करते वक्त हादसा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के सीएम को लिखा पत्र, कोटा के कोचिंग संस्थान फिर से खोलने की मांग। बीकानेर में 2 पक्षों के बीच खुली संघर्ष, कई राउंड हुई फायरिंग, गोलीबारी में 5 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के चौमू में नकली डीजल की कंपनी पर छापा, 8,43,000 लीटर मिक्स केमिकल बरामद, पुलिस ने 4 को पकड़ा। फरीदाबाद में रिटायर्ड SBI कर्मी ने कार में आग लगाकर खुदकुशी की, पिछले काफी दिनों से बीमारी के कारण परेशान था बुजुर्ग। भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम रेलवे कोच का किया सफल ट्रायल, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हुआ ट्रायल, टूरिस्ट ट्रेन में लगेंगे विस्टाडोम कोच। इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं से लैस है रेलवे के नए कोच, 2 कोच का हुआ ट्रायल, 8 और कोच तैयार करने में जुटा रेल कोच फैक्ट्री। सूरत में 9 करोड़ से ज्यादा की शराब को पुलिस ने किया नष्ट, 2 साल के दौरान जब्त की गई थी शराब, पलसाना थाने में नष्ट की गई शराब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेह में मौसम केंद्र का किया उद्घाटन, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी।
आज शाम 5 बजे खुलेंगे सबरीमाला मंदिर के कपाट। मकर विलक्कु के लिए खोला जाएगा मंदिर, 20 जनवरी को दोबारा बंद होगा मंदिर। भुवनेश्वर के नंदन कानन जू में लाए गए टाइगर के 2 शावक, 9 जनवरी को 1 साल के हो जाएंगे शावक लव और कुश। एयरलाइंस बिजनेस बढ़ाने पर टाटा सन्स का जोर, एयर एशिया में खरीदी 32% से ज्यादा हिस्सेदारी, कंपनी में टाटा ग्रुप का 83% से ज्यादा हिस्सा। भारत में 6 साल से नुकसान झेल रही है एयर एशिया, मलेशियाई कंपनी कर रही थी भारत छोड़ने की कोशिश, टाटा ने 276 करोड़ रुपए में खरीदी है हिस्सेदारी। फ्यूचर ग्रुप के किशोर बयानी का सेबी को खत, रिलायंस से डील को मंजूरी देने की मांग, कहा रोजाना हो रहा है करोड़ों का नुकसान। एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन हो सकते हैं अतानु चक्रवर्ती, जनवरी में रिटायर हो रही है श्यामला गोपीनाथ की, ले सकते हैं जगह। सिडनी में ही खेला जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 3रा टेस्ट, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, कहा खिलाड़ियों की सुरक्षा का रखा जाएगा ध्यान। सिडनी टेस्ट में खेलते नजर आएंगे रोहित शर्मा, रवि शास्त्री का बयान, बोले सिडनी में भी 5 गेंदबाजों के साथ खेलने उतरेगा भारत। अश्विन ने तोड़ा मुरलीधरन का रिकॉर्ड, 192 बार बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बनाया शिकार, टेस्ट में अश्विन के नाम 375 विकेट। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को पारी और 45 रन से हराया, सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे, दोहरे शतक से चूके डिकॉक। गोवा में अर्जुन कपूर संग छुट्टियां मना रही मलाइका अरोड़ा, बीच से मलाइका ने शेयर की तस्वीरें, फैंस ने किए ढेरों कॉमेंट्स। मीरा कपूर ने पति शाहिद कपूर के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो, देवर ईशान खट्टर ने भी किया खास कमेंट। रणबीर कपूर के परिवार संग नए साल का जश्न मनाएंगी आलिया भट्ट, कपूर परिवार के साथ रणथंबोर के लिए प्राइवेट जेट से हुई रवाना। अमेजन प्राइम पर जल्द रिलीज होगा द फैमिली मैन का दूसरा सीजन, सीरीज का पोस्टर हुआ जारी, मनोज वाजपेयी बने हैं सीरीज में जासूस। नॉर्वे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में सोनू सूद को किया जाएगा सम्मानित, लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने के लिए मिलेगा सम्मान, खुद को मानवतावादी पुरस्कार। 6.4 तीव्रता के भूकंप से हिला क्रोएशिया, कई इमारतों में आई दरारें, न्यूक्लियर प्लांट किया गया बंद। अगर आप ड्राइविंग में कमजोर है तो बाइक चलाते समय थोड़ा अलर्ट रहे, नहीं तो हादसा होते होते हो जाएगा जैसा इन मोहतरमा के साथ हुआ। गैस स्टेशन पर अचानक इतना तेज हादसा हुआ कि चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया, बताया गया कि गैस टैंक का प्रेशर बढ़ने से यह धमाका हुआ। अगर आपका बैलेंस बिगड़ जाए तो हादसा होते देर नहीं लगती, बेंच की एक तरफ जैसे ही दोनों दोस्त बैठे पूरी की पूरी बेंच ही उलट गई। सर्दी में कई जगह पर तापमान माइनस में पहुंच गया है, जमी हुई झील पर खेलती इस बिल्ली को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्ली करे दूध की रखवाली, ये बात हजम नहीं होती, यहां भी ये डॉगी इन पक्षियों का शिकार नहीं कर रहा बल्कि उनकी रखवाली कर रहा है। ये तोता इतना तेज है कि पहले इसने बिल्ली को हमला करके भगाया और फिर खिलौने वाली साइकिल की सवारी करने लगा। अचानक ना जाने क्या हुआ कि ये कार अनियंत्रित होकर सीधा पानी में जा गिरी, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो कोई भी करतब करते समय गिर जाएंगे, ड्रम पर रोल करते हुए इन जनाब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वजन बहुत ज्यादा हो तो कई परेशानी से दो चार होना पड़ता है, जैसे कि इस महिला ने बोझ पर कदम रखा, बोझ पानी में उलट गई। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।